गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलू त्रहान में JKTF की जानिब से मौके में एजुकेशन में सबकदोश हुए मुलाजमीन के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनाकिद की, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा PL भगत और तहसीलदार बलेसिया व टीचर्स फॉर्म चेयरमैन गणेश खजूरिया मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रोग्राम में आए हुए सभी उस्तादजा ने सबकदोश हुए मुलाजमीन के वक्त को याद किया और उनकी नौकरी के गुजारे लम्हों की खूब सराहना की है। उन्होंने कहा कि जिन मुलाजमीन के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनाकिद की गई उनमें मोहम्मद अकबर लोन, तलब शबनम, चौधरी शबनम, मोहन लाल मोहम्मद शफी वानी, चौधरी मोहम्मद शफी, चौधरी अलफुद्दीन शामिल है। इस मौके पर CAO डोरा ने तमाम रिटायर मुलाजमीन को मुबारकबादी दी और दीगर मौजूद उस्तादिजा को अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाने पर जोर दिया। JKLE न्यूज़ के लिए बलेसिया से अकरम मलिक की खास रिपोर्ट। मैं आज यहाँ दूर दराज फार्फ्लांग एरिया का दौरा किया तो क्या क्या मसाइल है आपके टीचर फैकल्टी में, क्योंकि बहुत सारे सफ़र हो रहे हैं, टीचर डिपार्टमेंट जो है इस वक्त फ्लैश पॉइंट पे बना हुआ है, लेकिन आप डोर स्टेप तक जाके उनके मसाइल को हल करते हैं, कहाँ तक अभी आप तक कामयाब हो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मुझे अपने मीडिया का अपना विचार रखने का समय दिए। सबसे पहले मैं आपके समक्ष रखना, जहाँ पर आज जो हमारा मेन उद्देश्य था, जहाँ पर कुछ जो हमारे ब्लेस एरिया के खंडो एरिया के जो टीचर रिटायरिंग थे उनके अंडर में, और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट खान साहब रिटायर हुए हैं उनके अंडर में, जहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी जो रिटायरिंग टीचर्स को ऑनर करने के लिए रखा गया था। उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड, जैसे आपने कहा कि टीचर्स की डिमांड है, टीचर को डिमांड कुछ हद तक जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम लगभग पिछले 30 वर्षों से एम्प्लॉइज के लिए, टीचर्स के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसके साथ साथ बहुत से मसलों में हम हल हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में RT का मसला था, रेमरे थ्रीम टीचर्स का, उसमें उनके जब उनको डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि ये लोग टेम्प्रेरी हैं, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए हम लोग लड़े और उनको रेगुलाइज करवाया। उसके बाद 58-60 का 2014-2015 में हमने मसला हल करवाया, और जो मसले अब ट्रांजिशन का Grade 2, Grade 3 का मसला है टीचर्स का, वो भी हमने हल करवाया और कुछ हाल तक हम प्रयास में उसमें कामयाब हुए हैं। अब हमारे 2-3 मेन मुद्दे हैं, एक UT के ग्रेड्स की प्रॉब्लम है, वो हम चाहते हैं कि UT के ग्रेड्स दिए जाएँ, और साथ में ये जो हमारे वेकेंट्स पोस्ट हैं, प्रमोशनें हो रही हैं और कुछ लोगों को स्कूलों में भेजा जा रहा है, फिर भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि एक नई रिक्रूटमेंट की जाए, क्योंकि जो पोस्टें वेकेंट हैं उनको भरा जाए, क्योंकि जो पहले ही जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉर्म का स्लोगन है कि जो बच्चा है वो हमारी प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि यहाँ CEO साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड कहा कि बहुत सारे टीचर जो है वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन चंद टीचर देयर आर सम एलिमेंट्स हु ट्राइंग टू डिमोलिश आवर इमेज और डिफेम आवर इमेज। देखो, हर एक समाज में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती हैं। अगर एक परिवार है उसमें 4 बच्चे हैं, एक ना एक बच्चा खराब होता है, तो हम पूरे एक को खराब नहीं, पूरे समाज को खराब नहीं कर सकते, परंतु मैं बींग चेयरमैन टीचर्स फॉरम उन टीचरों को वार्न करूँगा भाई, ऐसा मत करिए, हमें सरकार हैंडसम सैलरी दे रही है, और हमारा मेन डोमेन है बच्चा, हमने बच्चों को पढ़ाना है। जो वो बच्चे हैं हमारे पास, वो बच्चे आते हैं, वो गरीब बच्चे, लगभग पिछले 2 साल हमारे बच्चे बिल्कुल उनको तालीम नहीं मिली, क्योंकि जो जहाँ पर जो रिमोट एरिया कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी मिलती है, तो वर्ड सर क्या मोबाइल तो उनके तक बेचारों के पास नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो टीचर है डेडिकेशन के साथ, तो हमने 2 साल आराम से निकाले हैं बच्चों को डेडिकेशन के साथ उन बच्चों को। थैंक यू।